जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यात्रा फॉर यू पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है किशन कन्हैया नगरी यानी के मथुरा वृंदावन की। तो यदि आप मथुरा वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मथुरा वृंदावन कैसे पहुँचना है, मथुरा वृंदावन में रुकने के लिए होटल अथवा धर्मशाला की क्या व्यवस्था है, मथुरा वृंदावन घूमने के लिए कितने दिन पर्याप्त होंगे, जाने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, मथुरा और वृंदावन में ऑटो अथवा टैक्सी से घूमने का क्या तरीका है, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कितना बजट लग जाएगा आदि, इन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बोलिए जय श्री राधे। तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरा वृंदावन कैसे पहुंचे। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रेन है, जो कि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप मथुरा जंक्शन आ जाइए। मथुरा के लिए लगभग सभी प्रमुख शहरों से डायरेक्ट ट्रेन चलती है, और यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है तो आप दिल्ली अथवा आगरा होते हुए भी मथुरा पहुंच सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर है, जिसके लिए स्टेशन के बाहर से ऑटो अथवा ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं, जो कि 35 से 40 रुपए में वृंदावन प्रेम मंदिर के निकट छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप राजस्थान की तरफ से आते हैं तो आप भरतपुर जंक्शन होते हुए भी मथुरा आ सकते हैं। यदि आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो कई शहरों से मथुरा वृंदावन के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। आप दिल्ली, आगरा, भरतपुर आदि जगह से वृंदावन बस के माध्यम से इजीली पहुंच सकते हैं। यदि आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप आगरा एयरपोर्ट या दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मथुरा वृंदावन पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मथुरा वृंदावन की दूरी लगभग 150 से 160 किलोमीटर रह जाती है, जो कि आप ट्रेन या बस के माध्यम से कवर कर सकते हैं। दिल्ली से बस आपको कश्मीरी गेट बस अड्डा या सराय काले खां बस अड्डा या फिर बदरपुर बॉर्डर के पास से मिल जाती है, और बदरपुर ऑर्डर से आपको कैब भी मिल जाती है, जो कि लगभग 200 रुपए में वृंदावन छोड़ देते हैं। तो अब आप मथुरा जंक्शन आ चुके हैं। यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से सेकंड एग्जिट करना है, जहाँ से नया बस अड्डा मात्र 500 मीटर दूर है। यहाँ से आप ई रिक्शा अथवा ऑटो रिक्शा से डायरेक्ट वृंदावन भी पहुँच सकते हैं, जिसके लिए आपको 35 से 40 रुपए देने होते हैं। और यदि आप बाई बस जाना चाहते हैं तो आपको भूतेश्वर बस अड्डा, जिसे नया बस अड्डा कहते हैं, जो कि 500 मीटर की दूरी पर है, आप यहां तक बाई वॉकिंग या फिर ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा से पहुंच सकते हैं, जहां से आपको वृंदावन के लिए बस मिल जाती है, जिसका किराया 35 रुपए है। अब बात करते हैं स्टे कहां करें, जिससे कि मथुरा वृंदावन इजीली घूम सकें। तो आप कोशिश कीजिए कि वृंदावन में रुकें, क्योंकि यहां पर सारे संतों के आश्रम हैं, जैसे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम, श्री अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम, गौरी गोपाल इत्यादि। और वृंदावन में काफ़ी बजट होटल व धर्मशाला भी उपलब्ध होती है, जहां आप रुक सकते हैं। धर्मशाला जैसे सुदामा कुटी, श्री राम सेवा आश्रम, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर इत्यादि, जिसमें आपको 50 रुपये से 250 रुपये तक में रूम उपलब्ध हो जाता है, और साथ ही आपको भोजन भी 70 रुपये पर थाली के हिसाब से मिल जाता है। और यदि आप बांके बिहारी जी के मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो वहां भी काफी आश्रम उपलब्ध हैं, जैसे श्री माहेश्वरी भवन, श्री गिरिराज सेवा सदन इत्यादि, और यहां पर आपको 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में रूम मिल जाएगा। और यदि आप सेपरेटली होटल में रुकना चाहते हैं तो प्रेम मंदिर के आसपास काफी होटल देखने को मिल जाएंगे, जिनका प्राइस 600 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में एसी और नॉन एसी का होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रमुख स्थान और मंदिर जहां आपको दर्शन करने हैं, तथा जिससे आपके सारे प्रमुख मंदिर एक से दो दिन में कवर हो जाएं। तो यदि आप अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर, जो कि सुबह 7:30 बजे से 12 बजे दिन में और शाम को 5:30 बजे से 9:30 बजे तक ओपन रहता है, तो आप उनके मनोहारी दर्शन कीजिए। यहां पर भगवान जी के दर्शन बीच बीच में पर्दे के द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें नजर ना लग सके, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी हैं ही इतने प्यारे सांवले सलोने। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप राधा वल्लभ मंदिर, जो कि वहां से आधा किलोमीटर दूर है, वहां पर आप दर्शन करने जा सकते हैं, जहां पर आप राधा जी और कृष्णा जी के एक साथ दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप निधिवन जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्णा जी यहां पर गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं, इसलिए यहां पर रात में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। निधिवन से ही करीब 750 मीटर की दूरी पर राधा रमन मंदिर है, यहां पर भी आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहां से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इसके लिए आप ई रिक्शा पकड़िए, जो कि 10 रुपए में आपको मंदिर तक पहुंच
पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और यहाँ पर एक सोने का खंभा लगा हुआ है जो कि एक मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। फ्रेंड्स, मथुरा वृंदावन में मुख्यतया सभी मंदिरों के पट 12 से 12:30 बजे दोपहर के बाद बंद हो जाते हैं और शाम को 3:30 से 5:30 के बीच में खुलते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस बीच में रेस्ट कर सकते हैं या फिर मथुरा के साइड सीनिंग को शुरू कर सकते हैं। तो आप इस बीच में यमुना जी के घाट घूम सकते हैं, विशेषकर विश्राम घाट, जहां संध्याकालीन यमुना जी की आरती भी होती है और यहां पर आप 100 रुपए में बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद श्री द्वारकाधीश मंदिर, जो कि यहां से मात्र 550 मीटर की दूरी पर है, आप यहां पर जाइए, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और इसके बाद आपको पहुंचना है श्री कृष्ण जन्म स्थान, जो कि यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि तक आप रिक्शे के द्वारा 20 रुपए में पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा कहिए और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ की टाइमिंग बता दूं तो सुबह 5 बजे से 12:30 बजे दोपहर तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक ये ओपन रहता है। और फ्रेंड्स, अंदर मोबाइल गैजेट सामान ले जाना मना है। आप चाहे तो होटल पर रख कर आइए या फिर यहाँ पर क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको वापस वृंदावन आ जाना है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी मंदिर है जो कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है। घूमने का साधन सबसे बेटर यहाँ पर ई रिक्शा है जो कि आपको 20 से 30 रुपए में यहाँ तक पहुँचा देंगे। माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको जाना है इस्कॉन टेम्पल, जो कि कृष्णा जी और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है और यहाँ काफी फॉरनर होते हैं जिस कारण इसे अंग्रेज मंदिर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको आना है प्रेम मंदिर, जो कि इस्कॉन टेम्पल से 5 मिनट की दूरी पर है। प्रेम मंदिर शाम में काफी भव्य नजर आता है। यह रंग बिरंगी लाइटों से एकदम जगमगाता रहता है। यहाँ पर हर 30 सेकंड में रंग बिरंगी लाइट चेंज होती रहती है, जिससे यहाँ बेहद खूबसूरत नजारा दिखता है। और शाम में यहाँ पर आपको फाउंटेन शो भी देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पर रहकर काफी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मथुरा वृंदावन आप कभी भी आ सकते हैं, परंतु अक्टूबर से मार्च में यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए आप इस बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। और कुछ मौकों पर यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी और होली का त्यौहार यहाँ पर काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय यहाँ काफी भीड़ होती है। मथुरा वृंदावन की होली काफी फेमस है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ होली पर आकर चारों तरफ हर्षोल्लास का नजारा देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ खाने पीने की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, कई आश्रम में आप निशुल्क भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ पर थाली सिस्टम भी आपको 80 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में मिल जाता है। फ्रेंड्स, बजट की बात करें तो यदि आप यहाँ पर सेम डे में रिटर्न हो जाते हैं तो आपका खर्चा खाने पीने का और मथुरा वृंदावन में घूमने का 500 रुपए आता है, जिसमें आपके लोकेशन से मथुरा स्टेशन तक आने का खर्चा शामिल नहीं है। और यदि आप यहाँ एक दिन का स्टे करते हैं तो आपका 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में पर पर्सन रूम के अकॉर्डिंग खर्च हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।